यार मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन यार मैं इससे ज्यादा कमा रहा है ना इसी वजह से। तो यार साइलेंस सब के क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? साइलेंस सब पेशेंस से कुछ मिलता है? खुशी में आपके मसल स्ट्रेच करते हैं, 16 मसल जो है स्माइल करने पे, ठीक है। रोने पे आपके 32 मसल स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अब अगर आप चिड़चिड़े हो, स्ट्रेस हो, तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है दिमाग पर, वो आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक, ठीक है। लेकिन साइलेंस और कामनेस एक ऐसा इमोशन है जिसमें दिमाग बहुत सही तरीके से ग्रो भी करता है, प्लस उस क्रिएटिविटी लेवल का भी टॉप पे रहता है। लेकिन ये टॉप लेवल कैसे अचीव होते हैं? क्योंकि साइलेंस और कामनेस के दौरान हम कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखाते, बॉडी में चेंजेस नहीं दिखाते, मतलब ऐसे करके शेक नहीं होते, हमारी बॉडी हिलती नहीं है एकदम से, बिल्कुल एक ऐसी स्थिति है, यूं समझ लो हिप्नोटाइज कर दिया अपनी बॉडी में, या यूं समझ लो सो रहे हैं। देखो सोते हुए हम हिलते हैं नो डाउट, बट वो हिलना उतना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि सोते हुए हम किसी और ही दुनिया में होते हैं, मतलब यूं समझ लो हमारी बॉडी एक किस्म से मुर्दा टाइप। लेकिन अब यही चीज अगर आप बिना सोए कर सके तो कैसे पॉसिबल है? मेडिटेशन से पॉसिबल है, एंड उसी से आपको साइलेंस और कामनेस मिल जाएगी। लेकिन गाइस ये चेंज कैसे कर सकते हैं कि इंसान को? ऐसे है कि जब साइलेंस और कामनेस होती है तो हमारा जो दिमाग है वो फालतू की थॉट्स पे ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हुए किसी सही तरीके में या किसी एक काम पे फोकस करता है एनर्जी को। और जब हमारी एनर्जी जो दिमाग को चलाने के लिए हमें ताकत मिलती है खाने से पीने से, जब वो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है तब जाके हमें अचीव होता है सक्सेस। अपना हिसाब से सक्सेस होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल सक्सेस भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत सक्सेस भी कह सकते हो, लेकिन मिलता जो। अब गाइस ये समझने की कोशिश करो कि साइलेंस और कामनेस के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और इतना ही नहीं, अगर आप रोज की सिर्फ 5 से 10 मिनट भी अगर आप करें डे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये जो मेडिटेशन वाला चक्कर है ये आपकी साइलेंस और कामनेस की एनर्जी को, सहनशीलता को बढ़ा देगा। और जब ये चीज बढ़ जाएगी तब क्या होगा? तब डेफिनेटली भाई आप भी चेंज जाओगे, जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो डेफिनेटली भाई और भी चीजें आपके अराउंड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, आपका जो ऑरा है ऑरा भी बदल जाएगा, प्लस आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बिकॉज साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज साइलेंस के दौरान ना गुस्सा कर रहे हो, ना रो रहे हो, ना परेशान हो रहे हो, आप शांत हो। और शांत इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान क्यों होता है? क्योंकि वो शांत है और सामने जो उसके खड़ा है वो शांत नहीं है, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि सामने वाला उसके लिए शांत हो। लेकिन आप शांत है, आप काम है, आप साइलेंट है,
तो उससे होगा क्या, उससे एक अजीब सा साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फियर डेवलप होता है, यानी कि एक तरह का डर डेवलप होता है कि ये इंसान इस सिचुएशन में भी काम है और साइलेंट है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि साइलेंट और काम है? बस ये कंफ्यूजन धीरे 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 एक फियर डेवलप कर दी। एंड गाइस एक चीज और एडवाइस है, तो बोनस एडवाइस, अगर आप साइलेंट और काम है और सामने वाला आपके जो भी आपको लगता है कि आपके लिए एक एनिमी टाइप है, आप उससे आई कांटेक्ट बना के रखें और साइलेंट रहें, काम रहें एंड स्माइल करते रहें, उससे होगा क्या, उससे भाई एक ऐसा फियर डेवलप होगा धीरे धीरे, जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्यों ये साइलेंट है, काम है, स्माइल भी कर रहा है और रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। इससे उसको समझ आ जाएगा कि अगर ये रिएक्शन दे रहा है, दैट मींस देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, दया या दाल ही पूरी काली है, ऐसी वाली चीजें दिमाग में चलने लगती है गाइस। इसीलिए बता रहे हैं कि साइलेंस और कामनेस से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, दुनिया की कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हो, लेकिन करेंगे कैसे, साइलेंस एंड कामनेस से। अदरवाइज तो देखो गाइस क्या है ना, अगर आप इमोशन दिखाना चाहे आप दिखा सकते हैं किसी भी तरह का, हंसने का, गुस्से का, लेकिन वो इमोशन तो सभी दिखाते हैं भाई, इमोशंस तो सभी दिखाते हैं, रिएक्शन तो सभी देते हैं, लेकिन साइलेंट और कामनेस कुछ कुछ लोगों के बात है भाई। कुछ कुछ ही लोग जो है ना बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में साइलेंट और काम रह के अपना काम कर पाते हैं, लेकिन होता यही है ना यार, जब सिचुएशन आती है, बोलोगे यार इन्फिनिटी, जब सिचुएशन आती है ना तब साइलेंस और कामनेस आ नहीं पाता। यही तो सबसे बड़ी ट्रिक है भाई, अगर आपको अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लाना है तो साइलेंस और कामनेस का हाथ थामना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा इमोशन है जो आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी फोकस रखेगा, गोल ओरिएंटेड रखेगा, प्लस आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देगा, क्योंकि आपके दिमाग में कोई चीज भी चलेगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक कोका कोला है और एक बिस्लरी की पानी की बोतल, अब कोका कोला को अगर आप थोड़ा सा शेक कर दोगे तो उसमें फिज डेवलप होती है, जैसे आप बॉटल खोलोगे तो वो फिज एकदम से निकल जाएगी, इंस्टेंटली निकल जाएगी, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद वो फिज खत्म हो जाएगी एंड देन उसका वो जो स्वाद है ना वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें वो फिजीनेस मिलेगी। आप यही कंपेयर करो बिस्लरी की पानी की बोतल, उसको कोई कुछ भी हिलाए कितना भी कहे, जब उसे खोलोगे वो जीव का क्यों ही है, चाहे अभी खोल लो चाहे बाद में खोलो, बस होगा इतना कि जो प्लास्टिक की बोतल है उसका प्लास्टिक पानी में मिल जाएगा, बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ होगा। अब खुद सोचो ना यार कि जो पानी की बोतल है उसमें तो कितना ही कुछ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही है कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की बोतल का गिराओगे उसमें फीस डेवलप हो जाएगी, रिएक्शन इंस्टेंट आएगा, लेकिन बिस्लरी को फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे बोलो अपनी लाइफ में, बी लाइक अ वाटर, जस्ट मूव ऑन करते हो, फालतू के थॉट्स को निकाल दो दिमाग से, कुछ मत सोचो, चाहे अच्छा सोच रहे हो चाहे बुरा सोच रहे हो, बिल्कुल दिमाग को शांत कर दो। जब दिमाग को शांत कर दोगे तब जाके आपको आइडियाज मिलेंगे कि आपको अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि जब आपको ये आइडियाज मिलेंगे कि हमें लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, तब जाके आप सक्सेस की सीढ़ी पर पहला कदम रखोगे। अदरवाइज तो हुआ क्या, आप कदम तो रख दोगे ये पांच पास अगर मोटिवेशन से दो तीन चार कदम, फिर चले जाओगे, फिर बोलोगे क्या ही रखा भाई सक्सेस सक्सेस में, ये हमारे बस का नहीं है, ये चीज आपके दिमाग में चलेगी। लेकिन अगर आप साइलेंट हो, काम हो, तब सक्सेस जो सीढ़ी है वो चढ़ते जाओगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप तोड़ रहे हो, आप खुद को मरोड़ रहे हो, आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको किसी चीज से कोई मतलब महसूस नहीं होगा, इमोशन लेस फील होगा। जब इमोशन लेस फील होगा तो आप सक्सेस की सीढ़ी पर धीरे 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 करके ग्रो कर सकते, एंड जब आप सक्सेस बन जाए तो चाहे तो इमोशंस में आ सकते हैं, लेकिन इमोशंस में बहुत ज्यादा बहना नहीं है, क्योंकि देखो यार
एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया होता है, एज 10 से लेके एज 25 के बीच में हमारे सबसे ज्यादा इमोशंस में हम बह जाते हैं, हमारे हार्मोनल इंबैलेंस सबसे ज्यादा होता है। 25 से लेके 45 की एज के बीच में, ये 20 इयर्स के बीच में हमारे इमोशंस में हम काबू तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से काबू नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ ना कुछ बह जाते हैं। अगर हम 25 से 45 एज के बीच में थोड़ा सा इमोशन बहे तो बहुत वर्स्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि देखो एज 10 से लेके 25 के बीच में तो हार्मोनल इंबैलेंस पहले से ही है, लेकिन 25 से लेके 45 एज के बीच में आपका हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होता है, आपकी जो इमोशंस आप उन पे काबू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने काबू नहीं किया तो वो आपके लिए वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो कि सही नहीं होगा, वो आपके लिए हानिकारक या हार्मफुल हो सकती है। इसी कारण से कामनेस और मेडिटेशन हमारे प्राचीन भारत में योग सिखाया जाता था ताकि लोग अपने हार्मोनल इंबैलेंस को बैलेंस आउट कर सके, अपने दिमाग में एक्स्ट्रा थॉट्स फैला के अपने काम पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें जो भी अचीव करना है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप ज्यादातर अपने इमोशंस पे काबू रखना बहुत छोटी एज में ही सीख जाते हो, एंड अगर आप ये चीज सीख जाओ प्रैक्टिस करने से तो भाई ये कितनी ज्यादा हेल्पफुल है सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखो 50 साल की जब एज क्रॉस हो जाती है ना उसके बाद तो इमोशंस इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, मतलब आते हैं कंट्रोल भी हो जाते हैं, ओवर कंट्रोल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल भी चले जाते हैं, बट वो बैलेंस होता है, आपको आता है बैलेंस करना एज 50 के बाद, लेकिन 25 से लेकर 45 एज में आपको आता है, पूरी तरह से नहीं आता है बट आता है ये जरूर है, लेकिन एज 10 से लेकर 45 एज में आपको आता ही नहीं है। अच्छा कितना ही जोर लगा आपको इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे ही जाएंगे, नहीं रोक पाओगे आप, बस इतना हो सकता है अगर आप रोकना चाहें तो मेडिटेशन को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस आउट करना पड़ेगा। जब आप इस चीज को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस आउट करेंगे तब जाके कुछ आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज भाई कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बस आपको एक रिएक्शन मिलेगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता तेरा, आप अपने दिमाग में सोचते हो भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बेकार है, तू ये है, तू वो है, जो लोग बोलेंगे आप लोगों की बातों को एक्सेप्ट कर लोगे और बोलोगे हाँ यही सही है, आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मैं करके दिखाता हूँ ना, आप ये बोलोगे वो सही है, क्योंकि इस एज में एज 10 से लेके 25 की एज में नेगेटिव थॉट्स पे हम बहुत जल्दी बिलीव कर देते हैं, पॉजिटिविटी पे हमें इतना बिलीव नहीं होता, हमें खुद पे यकीन नहीं होता, हमें दूसरों पर ज्यादा यकीन होता है, दूसरे कुछ भी बोल रहे हैं हाँ भाई वो सही है हम गलत है, क्यों भाई आप क्यों गलत, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ, अपने ऊपर यकीन तो करो, नहीं भाई मैं भी सही हूँ, मेरे में भी कुछ काबिलियत है, जरूरी थोड़ी है भाई उसमें भी काबिलियत है, चलो मान लिया वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो क्या हो गया भाई, अगर वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो आप भी तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो ना, वो कैसे होगा भाई, साइलेंस और कामनेस से जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी ट्रिक्स को समझो कि वो ये कैसे करते हैं वो ऑब्जर्व करो, एक बिजनेसमैन ना भाई ऑब्जर्वेशन में माहिर होता है, अगर उसे ऑब्जर्वेशन करनी आएगी ना सामने वाले बिजनेस की तब वो उसके बाद राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे अपना बिजनेस खड़ा करता है, यही एक बिजनेस का असूल है, ऑब्जर्व करो, ट्रिक्स को समझो, देन इंप्लीमेंट करो मार्केट में, अदरवाइज होगा कुछ नहीं, आप कंपटीशन के चक्कर में आ तो जाओगे मार्केट में बट टिकोगे नहीं, इसीलिए ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, साइलेंस और कामनेस से जो भी काम किया जाता है वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होता है, इसीलिए माइंड को हमेशा कोशिश करो एक्स्ट्रा थॉट्स ना लाके शांत रखो, गोल ओरिएंटेड रहो और जो भी आप काम करना चाहते हैं वो काम करिए ताकि आपको एक अच्छे लेवल का सक्सेस मिले, जब आपको सक्सेस मिल जाए तब आप चाहे इमोशंस में बह के आपको जो कर रहा अपने लाइफ के साथ जैसे जीना है आप जी सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली डिसीजन ना लीजिए क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन आपके लिए हानिकारक होते हैं। अब आप बोलोगे यार इंटी लेकिन बिजनेस लाइफ में या जॉब में बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेने जरूर पड़ते हैं, तो दिमाग को शांत रखो ना, जब दिमाग को शांत रखोगे ऑब्जर्व करना सीख जाओगे तो आप डिसीजन भी लेना सीख जाओगे, भले ही आप जल्दी लोगे डिसीजन लेकिन वो डिसीजन जो आपने लिया है आपको पता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए सही है
या गलत। अब आप ये बोलोगे ये कैसे पता चलेगा, बस जब साइलेंस और कामनेस होगी ना तब खुद के दोस्त बनोगे। जब खुद के दोस्त बन जाओगे तो आपके लिए लाइफ में भटकने वाली चीज रहेगी नहीं, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। जब आपको ये पता होगा ना कि आपको लाइफ में करना क्या है, तब आपके लिए इमोशंस एंड आपके लिए जो ये नेगेटिव थॉट्स है मैटर ही नहीं करेंगे। आपको पता है आपको ये करना है और आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, आपको इतना यकीन है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो जब कैपेसिटी है आपके अंदर दम है तो फिर किस बात पर रुके हुए हो भाई, करो ना, देखिए होना साइलेंस और कामनेस। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है जो ऐसे चुटकी बजाओगे और मिल जाएगी, इतनी आसान भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे समझ जाओ इस रहस्य को कि साइलेंस और कामनेस से क्या हो सकता है और आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, प्लस आपका ऑरा कितना ट्रांसफॉर्म हो सकता है, प्लस आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग कितना ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो आपको सारा गेम समझ आ जाएगा। अरे भाई मैं तो अभी तक भटक रहा था इमोशंस में, बस इमोशंस में बह जा रहा था भाई, साइलेंस और कामनेस तो सब कुछ ही हो जाएगा। जब साइलेंस और कामनेस से सब कुछ हो ही जाएगा तो फिर मुझे किस बात की टेंशन भाई, व्हाई शुड आई थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स इफ आई कुड अचीव माय सक्सेस जस्ट बाय बीइंग काम एंड साइलेंस, बिकॉज साइलेंस एंड कामनेस मेकिंग माय माइंड थिंकिंग नथिंग। इफ आई एम थिंकिंग जस्ट नथिंग then I will be focused to my goal. If I am focused to my goal, the success will come immediately to me. Simple है भाई, तब तो success मिलता है लोगों को। जितने भी लोग billionaire हैं, trillionaire हैं, successful हैं, वो रोज meditation करते हैं। वो नहीं बताते आपको ये चीजें क्यों? वो नहीं चाहते आपको ये चीजों का पता चले, वो चाहते हैं आप भटकते रहें, आप इमोशन में बहते रहें, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपके पास साइलेंस और कामनेस आ गई तो डेफिनेटली आप अपने गोल पे फोकस्ड हो जाएंगे, गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे एंड उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसीलिए मेडिटेशन सब बताते जरूर है बट सही तरीके से कोई नहीं बताएगा भाई, जैसे हम बता रहे हैं कि 5 मिनट करो रोज करो इससे ये फायदा होता है वो फायदा, वो ये बात कोई नहीं बताएगा। देखो मुझे क्या लगता है ना गाइस कि जो मेरे पास मुझे अचीव हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा। अब देखो यार इससे ना फायदा हो रहा है ना इससे नुकसान हो रहा है, बस इससे फायदा सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को फ्री में हमने अपना नॉलेज प्रोवाइड कर दिया। अब बदले में चाहे आप की मर्जी है, आप सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं, करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, हम कोशिश करते रहेंगे। देखो गाइस क्या होगा ना, हर इंसान को सपोर्ट चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने ट्रैक पे सही है, अपने कर्मा को सही ढंग से कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगा। एल्स तो क्या ही है भाई, इमोशन में बहना तो रह जाओ, बाकी साइलेंस और कामनेस तो सक्सेस गारंटीड है बट टाइम जरूर लगता है, क्योंकि जो साइलेंस और कामनेस का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो इमोशन में बहने का प्रोसेस है बहुत फास्ट प्रोसेस है एंड उससे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, यहाँ गारंटी है बट प्रोसेस इज स्लो। So guys, decision आपके हाथ में। Here is so that's it for today for this podcast. आपको आज के podcast में मजा आया तो इसे like and share करना, नीचे को subscribe करना। Thanks for watching. मिलते हैं किसी next podcast में, तब तक के लिए stay fit and stay healthy. Bye bye.